तो गाइस स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैंने ब्रिंज किया है राणा नायडू, और थोड़ा डाउटफुल रहता हूँ यार, नेटफ्लिक्स से सीरीज़ मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आती है, इंडियन कंटेंट उनका इतना खास नहीं है। बट मैंने राणा रघुपति के लिए देखा कि इस सीरीज़ को देखा जाए, और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या ये सीरीज़ देखने लायक है या नहीं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये सीरीज़ फैमिली के साथ तो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है, भर भर के इसमें गालियाँ हैं, सेक्स सीन है और वॉयलेंस है। शुरू शुरू में यार मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगेन मेकर्स जैसे 2015-16 में जो OTT में सीरीज आती थी सेल ऐसी की जाती थी, सेक्स सीन डाल के, गालियाँ डाल के। बट मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये सीरीज़ उसी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है। बट इवेंचुअली विद टाइम, थोड़ा टाइम देने के बाद, सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट और परफॉर्मेंसेज। गाइज बहुत ही दमदार परफॉर्मेंसेज हैं। एंड ये कहानी है एक हेंचमैन की, एक सेलिब्रिटी हेंचमैन की, जो पचड़े होते हैं पॉलिटिशियंस के, सेलिब्रिटीज़ के, उसको सॉल्व करता है। उसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है उस सीरीज़ में, आप देखेंगे। ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करने वाला सीरीज़ के बारे में। राणा नायडू नाम हर दूसरे बॉलीवुड स्कैंडल में आता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अगर राणा जुड़ा है तो स्कैंडल बड़ा है। जब मैं सीरीज़ देख रहा था मुझे पता नहीं था ये एक ऑफिशियल रीमेक है। रोना डोनोवन एक अमेरिकन सीरीज़ है, उसका ये रीमेक है। अगर आपने ये वो सीरीज़ नहीं देखी है तो गाइज ये एकदम फर्स्ट हैंड नया एक्सपीरियंस देने वाली है सीरीज़। और थोड़ा इसमें मुझे नेगेटिव पॉइंट इसका लगता है इसकी लेंथ। 10 एपिसोड हैं जो 50-50 मिनट के एपिसोड हैं। एक ही चौथा एपिसोड आई थिंक 35 मिनट का या 39 मिनट का है, बाकी एपिसोड गाइज 50 से 60 मिनट के हैं। बट इसमें आपको वो बोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की गई हैं एक्टर्स के द्वारा, गाइज बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और सबसे सरप्राइजिंग इसमें है वेंकटेश रघुपति। नॉर्थ साइड में ज़्यादातर उनको एक सॉफ्ट रोल के लिए जाना जाता है, काफ़ी उन्होंने सॉफ्ट फिल्में की हैं, बड़े इनोसेंट से कैरेक्टर किए हैं। बट गाइज यहाँ पे इनका जो कैरेक्टर है गाइज एकदम हरामखोर टाइप का कैरेक्टर है। मैं क्या करा, गोली मार के आ रहा हूँ। माय लाइफ में जो भी अच्छा बुरा किया ये फैमिली के लिए किया डैडी। बाकी जो एक्टर है गाइस, सुरविंद चावला, अभिषेक बैनर्जी, सुशांत, उनके परफॉर्मेंस ही गाइस बहुत ज़्यादा दमदार हैं। बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूशन दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस का। और गाइस इसको क्रिएट किया है करण अंशुमन ने, और वो मेकर थे मिर्ज़ापुर के भी, तभी ये शो आपको बहुत ज़्यादा रॉ और रियल और ग्राउंडेड दिखने वाला है। गाइज जनरली आपने जो क्राइम सीरीज़ देखी होंगी या तो पंजाब में देखी होंगी, नॉर्थ साइड के एरिया में ही देखी होंगी, बट ये सीरीज़ घूमती है मुंबई और हैदराबाद के बीच में। कुछ कुछ कैरेक्टर की जो हैदराबाद एक्सेंट है गाइज एकदम देखने लायक है, और ज़्यादातर आपने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी किसी सीरीज़ में, तो ये एक नई चीज़ देगी इस सीरीज़ को। और गाइज इस सीरीज़ की सिनेमाटोग्राफी मुझे थोड़ी जॉन विक की याद दिला रही थी, रात के स्पेशली सीन मुझे वैसे ही लग रहे थे, और राणा रघुपति को देख के मुझे जॉन विक की याद आ रही थी, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था, काफ़ी कम बोलता है इसमें। एंड मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया सीरीज़ ने, और उनके कैरेक्टर ने, और उनकी परफॉर्मेंस ने। हाईली रिकमेंड करूँगा, जाओ ये सीरीज़ को देखो, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है, मुझे तो मज़ा आ गया देख के। एंड आई थिंक वन ऑफ़ दी बेस्ट सीरीज़ में ये काउंट होगी ज़रूर, जो इंडियन कंटेंट है उसमें वन ऑफ़ दी बेस्ट सीरीज़ में ये आएगी। तो गाइस चेकआउट करो, और वीडियो को लाइक करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।